हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक लीग कुल्लू लाहौल स्पीति के चुनाव पूर्व चेयरमैन ब्रिगेडियर टीएस ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुए। इस अवसर पर अध्यक्ष ब्रिगेडियर टीएस ठाकुर ने बताया कि एचपी पूर्व सैनिक लीग कुल्लू लाहौल स्पीति के चुनाव 5 साल के बाद हुए हैं और ये चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुए हैं। उन्होंने कहा कि हर माह की 2 तारीख को लीग की बैठक आयोजित की जाएगी ताकि समस्याओं का जल्द निदान किया जा सके। आज जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति के एक्स सर्विसमैन लीग के चुनाव हुए हैं। ये 5 साल के बाद ये चुनाव हुए और खुशी की बात है कि आज का जो चुनाव है सर्वसम्मति से यूनानिमसली ये चुनाव हुए और मुझे दोबारा जो है 7वीं बार जो है मुझे अध्यक्ष बनने का मौका दिया गया है। मैं सभी एक्स सर्विसमैन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू एंड लाहौल स्पीति का उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास दिलाया और मेरे कंधे पर और भी ज़्यादा जो है जिम्मेदारी आ गई है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे इन्होंने मेरे पर विश्वास दिलाया है तो उसके अनुरूप जो है मैं उतने की कोशिश करूँगा। यह मैं हम आशा करता हूँ कि हम एक टीम के रूप में हम 5 साल तक हम कार्य करेंगे और हमारे जो एक्स सर्विसमैन वीर नारियाँ और बारबीडोज हैं उनकी जितनी भी जो प्रॉब्लम है, चाहे पेंशन की प्रॉब्लम है, चाहे कोई एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, चाहे कोई और उनको कोई दिक्कत आती है तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम हर महीने की 2 तारीख को यहाँ पर मीटिंग करते हैं और उसमें हम सारे जो हमारे वेटरन हैं, वीर नारियाँ हैं और बारबीडोज हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस दिन आ करके हम उसका जो है समाधान जो है करेंगे। और इसी प्रकार जो है हम एक टीम के रूप में हम अपना कार्य हम करते रहेंगे और सबकी कोऑपरेशन से हम इसके लीग के में जो भी फैसिलिटी हैं, कंटीन फैसिलिटी हैं और ECH की फैसिलिटीज़ हैं उनको और भी बेहतर बनाने की हम कोशिश करेंगे।